नमस्कार, मैं अनुभूति आप सभी का स्वागत करती हूँ द प्राणमूल्या फार्म्स में। तो आज के ब्लॉग में मैं जिस फ्रूट के बारे में आपको बताने वाली हूँ वो है मोस्ट अंडररेटेड फ्रूट ऑफ हिमाचल प्रदेश, लेकिन खाने में सबसे टेस्टी फ्रूट। तो जो फ्रूट आज मैं आपको बताऊंगी वो है पर्सिमन, यानी कि जापानी फ्रूट। तो अभी मैं जिस फ्रूट के पेड़ के नीचे खड़ी हूँ वो है जापानी फ्रूट का, और इस पे हमने की हुई है नेटिंग ताकि हम जो है इसे प्रोटेक्ट कर सके बर्ड्स वगैरह से, क्योंकि ये फ्रूट जो है खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होता है। तो जो हमारे यहाँ पे चिड़िया वगैरह होती है उनको भी ये खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है, तो वो जो है इस पे अटैक कर देती हैं और इसे खा लेती हैं। तो हम लोगों ने क्या किया, इसको प्रोटेक्ट करने के लिए इस पे जो है नेट से इसको प्रोटेक्ट किया है। तो इससे क्या होता है, बाहर बाहर वाले जो फ्रूट्स है वो तो चलो चिड़िया खा जाती है, लेकिन जो अंदर वाले फ्रूट्स है वो जो है प्रोटेक्टेड रहते हैं इससे। तो अगर मैं इस फ्रूट के ओरिजिन की बात करूँ तो ये बेसिकली ओरिजिनेट तो हुआ है चाइना में, लेकिन ये फेमस है जापानी फ्रूट के नाम से, क्योंकि जो है जापान में ये बहुत ही ज़्यादा फेमस फ्रूट माना जाता है और वहीं से जो है ये फेमस हुआ है। और अगर इंडिया की बात की जाए तो इंडिया में जो है उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और जम्मू एंड कश्मीर में ही इस फ्रूट को लगाया जाता है, और बाकी जो इंडिया के पार्ट्स हैं वहाँ पे लोगों ने इस फ्रूट को देखा भी नहीं होगा, और खाना तो दूर की बात, बहुत कम लोग जो है इस फ्रूट के बारे में जानते होंगे। तो लेकिन अगर खाने की बात की जाए तो ये फ्रूट जो है एप्पल, पेयर वगैरह के मुकाबले बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होता है और इजी टू ईट फ्रूट है, और जो इसके बेनिफिट्स है वो भी बहुत ज़्यादा है। तो मैं आपको जो है इसका फ्रूट निकाल के देखती हूँ। यहाँ पे जो है एक ही पेड़ पे जो है हमने दो वेराइटीज़ लगाई हुई है ग्राफ्ट करके, तो मैं आपको इस पेड़ से जो है दोनों वेराइटीज़ जो है निकाल के दिखाती हूँ कि किस तरह का फ्रूट होता है। मेरे हाथ में दो वेराइटी है पर्सिमन की, ये है इसका नाम है हैचिया और ये है फुयू, लेकिन जो है दिल्ली में मोस्टली इसे जो है रामफल के नाम से बेचा जाता है, लेकिन इसका नाम रामफल नहीं है, इसका नाम है पर्सिमन, या फिर इसको हिंदी में जो है जापानी फ्रूट कहते हैं। तो बहुत सारे लोग जो है दिल्ली में जो है इसे रामफल के नाम से बेचते हैं, तो एक्चुअल में इसका नाम रामफल नहीं है। तो ये जो है दोनों अलग अलग जो है वैरायटीज़ है, तो ये जो वैरायटी है ये जो हैचिया वैरायटी है ये दिखने में हार्ट शेप्ड होती है, और इस वैरायटी को जो है पका के खाया जाता है। तो दिल्ली वगैरह में मोस्टली अगर इस वैरायटी को बेचा जाता है तो लोग जो है इसे कच्चा खाना ही स्टार्ट कर देते हैं, लेकिन जब इसे कच्चा खाते हैं तो ये गले में लगती है, तो इस वजह से लोग जो है इसे डिस्कार्डेड कर देते हैं कि ये अच्छा फ्रूट नहीं है। लेकिन इसे जो है पका के खाया जाता है, इसे पकने में जो है एक कर हफ्ता लग जाता है। अभी मैंने इसे जो है पेड़ से निकाला है तो एक हफ्ते बाद जो है ये तैयार हो जाएगा, और ये खाने में अंदर से पूरा जेली की तरह होता है, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होता है। और वहीं जो है ये जो फुयू वेराइटी है ये जो है कच्चा खाने वाला फ्रूट है, इसे जो है अभी मैंने पेड़ से निकाला है तो मैं इसे अभी जो है कच्चा खा के बता सकती हूँ, लेकिन दिल्ली में जो है इसे रामफल के नाम से जो है बेचा जाता है, तो ये इस फ्रूट का नाम रामफल नहीं है, ये है पर्सिमन की फुयू वैरायटी जो कि दिल्ली में जो है रामफल के नाम से बेची जा रही है, लेकिन इसका नाम जो है पर्सिमन है, रामफल नहीं है।
अगर मैं इसे खा के बताऊं तो खाने में ये क्रंची है और बहुत ही ज्यादा टेस्टी है। शहद की तरह इसका टेस्ट होता है और बेनिफिट्स भी बहुत ज्यादा है। एप्पल पेयर के मुकाबले जो है ये फ्रूट खाने में बहुत ही ज्यादा टेस्टी होता है। तो अगर मैं आपको एक बात बताऊं इस फ्रूट के बारे में, तो जब मैं हॉस्टल में होती थी तो उस टाइम पे जो है जो दिल्ली जयपुर वाले लोग हैं उन लोगों ने ये फ्रूट नहीं देखा होता था। तो जब भी मेरे घर से जो है फ्रूट्स आते थे तो वो लोग जो है टूट पड़ते थे इस फ्रूट के ऊपर। एप्पल पेयर पीच वगैरह भी आते थे घर से, लेकिन उन पे इतना ज्यादा वो टूटते नहीं थे जितना इस फ्रूट पे टूटते थे। इसे जो है खा के वो सब इसे इसका जो है फैन बन गए थे। और ये फ्रूट जो है वन ऑफ द बेस्ट इन डिमांड रहता था हमारे हॉस्टल में। तो अगर जो है पर्सिमन फ्रूट की बेनिफिट्स की बात की जाए तो ये जो है एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज की रैंक में सेकेंड नंबर पे आता है आफ्टर जो हमारे ब्लूबेरीज होते हैं उनके, और थर्ड नंबर पे आती है कीवी। लेकिन अगर रेट की बात की जाए तो ब्लूबेरीज आपको 2000 रुपीज पर केजी के हिसाब से मिलती है, जबकि ये जो फ्रूट है ये आपको जो है 150 से लेके 200 रुपीज पर केजी के हिसाब से मार्केट पे अवेलेबल हो जाता है। इसके अलावा जो है इसे वन ऑफ द बेस्ट फ्रूट माना जाता है ब्रेस्ट कैंसर के लिए। और ये जो है फाइब्रस फ्रूट है, तो ये फ्रूट जो है आपके डाइजेशन के लिए बहुत ही अच्छा होता है और आपके पेट को जो है साफ रखता है। और अगर जो है आप गर्म इलाके में रहते हैं तो आपके लिए जो है ये फ्रूट बहुत ही अच्छा है, क्योंकि इसकी तासीर होती है ठंडी और ये आपकी बॉडी को ठंडा रखता है। तो ये तो हो गई पर्सिमन फ्रूट की बात की किस तरह का इसका फ्रूट होता है, और इसके अलावा क्यों ये फ्रूट इतना टेस्टी होते हुए बहुत कम लोगों तक अभी तक पहुंच पाया है। तो अगर आपको हमारी आज की वीडियो अच्छी लगी तो हमारी वीडियो को शेयर और लाइक जरूर करें, और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो इसी के साथ मिलेंगे हमारी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।